नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार ने जब कई साल पहले मंत्रियों की गाड़ी से लाल बत्ती हटाने का फैसला लिया तो बीजेपी वालों ने जमकर प्रचार किया कि वीवीआईपी कल्चर का जमाना बीत गया। कई मंत्रियों ने बाकायदा अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाते हुए फोटो भी खिंचाए। लेकिन क्या वाकई दिमाग से लाल बत्ती हटवाई है? जब पीएम मोदी अक्सर एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए वीडियो जारी करते हैं तो बीजेपी वाले खूब प्रचार करते हैं कि देखिए ये है बीजेपी के संस्कार। लेकिन क्या वाकई बीजेपी के मंत्रियों के लिए आम और खास में कोई अंतर नहीं है? यूपी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सवाल उठाता है कि क्या बीजेपी के मंत्रियों के लिए वीवीआईपी कल्चर समाप्त हो गया है या फिर ये सिर्फ प्रचार की बात है। पहले ही हेडलाइन में आपको दिखाता हूं, यह लिखा गया है कि अधिकारियों और मंत्रियों की गाड़ी में सायरन या हूटर का प्रयोग गैर कानूनी। और इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्रियों के वाहनों में सायरन या हूटर का प्रयोग गैर कानूनी है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन क्या बीजेपी के मंत्री इस आदेश को मानते हैं? अब मैं वीडियो दिखाता हूं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले का। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफिला घोसी विधानसभा से गुजर रहा था। यहां पर एक किसान बेचारा जो पहले से ही साइड में चल रहा है उसको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आप उस हूटर को सुनिए जो गैर कानूनी है। ये देखिए, सायरन बजाते हुए काफिला गुजरता है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। किसान को रोका जाता है, किसान साइकिल से उतर जाता है, उसके बाद साइकिल को पकड़ लेता है ट्रैफिक पुलिस वाला। उसके बाद पीछे से एक और अधिकारी आदेश देता है कि इसको साइड में हटावा, बिल्कुल साइड में हटा दो। जो आदमी पहले से ही साइड में है उसको और साइड में हटाने को बोला जा रहा है। उसके बाद ये ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है, जरा देखिए। पंजाब केसरी का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। ये देखिए, ये साइकिल पटकी और किसान जमीन पर गिर गया। इतना साइड में कर दिया कि किसान गिर गया, साइकिल गिर गई। और ये है आम आदमी की औकात बीजेपी के मंत्रियों के लिए भी। कई लोग बोल सकते हैं कि मंत्री जी को नहीं मालूम होगा कि एक किसान के साथ ये व्यवहार किया गया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने किया, इसको सस्पेंड किया जाए, मंत्री जी की क्या गलती है। मंत्री जी को ये तो मालूम होगा ना कि सायरन या हूटर बजाना गैर कानूनी है। और ऐसा एक दिन नहीं होता, हर दिन होता होगा। मंत्रियों को मजा आता है ऐसे करने में। ये गरीब आदमी की बेबसी देखिए, सिर्फ घूर सकता है पुलिस वाले को बेबसी में, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए। गलती पुलिस वाले की नहीं है, गलती है कल्चर की। वीवीआईपी नेताओं को मजा आता, भले गाड़ी से लाल बत्ती हटा दी गई लेकिन दिमाग से लाल बत्ती नहीं हटी है। रोजाना मंत्री जी का काफिला ऐसे ही सायरन बजते हुए जाता होगा और मंत्री जी को मजा आता होगा जब साइड से लोगों को हटाया जाता है। एक दिन की बात नहीं है, ये रोजाना का घटनाक्रम होगा जब लोगों को ऐसे साइड किया जाता होगा। तो मंत्री इतने नादान तो नहीं है, डिप्टी सीएम हो, मंत्री हो, कि उनको पता ना हो कि उनकी वजह से जनता के साथ क्या हो रहा है। और यही वजह है कि एक गरीब किसान के साथ ये व्यवहार किया गया। आप एक गरीब किसान के साथ ऐसे व्यवहार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। नमस्कार।